नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको अमिताभ बच्चन की बेहतरीन फिल्म ढूंढने, सोमवार को इंडिया में कितना नेट कलेक्शन किया और फिल्म का सोमवार तक वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कितना हो गया, इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, इस फिल्म ने अपने पहले दिन मात्र 1.50 करोड़ का भारत में नेट कलेक्शन किया। वहीं दोस्तों दूसरे दिन शनिवार होने के कारण और हाफ हॉलीडे होने के कारण फिल्म के कलेक्शन में 50% का उछाल देखा गया और फिल्म ने भारत में नेट कलेक्शन किया करीब 2.30 करोड़ रुपए का। दोस्तों फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ अच्छा मिला, क्रिटिक्स ने अच्छे रिव्यूज दिए और ये वास्तव में एक कंटेंट बेस्ड बेहतरीन फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों संडे को भी फिल्म के कलेक्शन में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला और संडे को फिल्म ने कलेक्शन किया 2.90 करोड़ रुपए का। दोस्तों इस प्रकार झुंड फिल्म का 3 दिनों का जो इंडियन नेट कलेक्शन है वो हो जाता है 6.70 करोड़ रुपए। अब दोस्तों मंडे को हर फिल्म का कलेक्शन ड्रॉप होता है क्योंकि मंडे वर्किंग डे होता है, तो दोस्तों ये देखने वाली बात थी कि झुंड का कलेक्शन कितना गिरता है या कम गिरता है ज्यादा गिरता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मंडे को जो झुंड की जो ओवरऑल थिएटर्स ऑक्यूपेंसी थी वो करीब रही थी 7.69% मॉर्निंग शोज की, और वही दोस्तों आफ्टरनून शोज की बात करें तो इसमें थोड़ा सुधार आया और ये हो गई थी 9.27%। और दोस्तों पूरे थिएटर्स की अगर ओवरऑल ऑक्यूपेंसी की बात करें मंडे की तो ये करीब 8.50%, मतलब 8.5% के करीब ऑक्यूपेंसी रही थी जो कि काफी कम थी। तो दोस्तों इसी से पता चल गया था कि कलेक्शन ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि दोस्तों इवनिंग शोज और नाइट शोज में थोड़ी ऑक्यूपेंसी में बढ़ोतरी देखने को मिली। तो दोस्तों मंडे का भारत में नेट कलेक्शन 1 करोड़ रुपए से 1.10 करोड़ रुपए की रेंज में रहा है। तो दोस्तों ये काफी कम है क्योंकि दोस्तों झुंड फिल्म के पास ज्यादा दिन अब है नहीं, थर्सडे तक इस वीक के अंदर झुंड को काफी अच्छा कलेक्शन करना था, तो मंडे में जो ड्रॉप बहुत ज्यादा आ गया, इसके कारण लगता नहीं कि झुंड ज्यादा अच्छा कलेक्शन अब कर पाएगी। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि 11 तारीख को प्रभास पूजा हेगड़े की बड़ी फिल्म राधेश्याम रिलीज हो रही है, साथ ही दोस्तों झुंड फिल्म को गंगूबाई काठियावाड़ी तथा बैटमैन और साथ में जो मराठी फिल्म पवन किंड उससे भी जबरदस्त मुकाबला करना पड़ रहा है। तो इस कारण दोस्तों ये 1.10 करोड़ के करीब इसका कलेक्शन मंडे को रहने वाला है। एक्यूरेट फिगर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से झुंड फिल्म का जो कलेक्शन है वो 4 दिनों का हो गया है करीब 7.70 करोड़ रुपए के आसपास। वहीं दोस्तों अगर वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो ये करीब 11.5 करोड़ रुपए के करीब हो जाता है। तो दोस्तों झुंड फिल्म का ये जो प्रदर्शन है ये काफी कम है, उम्मीद से बहुत ही कम है, और दोस्तों अब फिल्म का हिट होना काफी मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि दोस्तों अब आने वाले 4 दिनों में ये तय हो पाएगा कि झुंड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगर दोस्तों मंगलवार को फिल्म के कलेक्शन में अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है तो दोस्तों ये फिल्म कुछ कवर कर सकती है। केवल मंगलवार को ही नहीं, बुधवार बृहस्पतिवार को भी फिल्म को अच्छा कलेक्शन करना होगा क्योंकि दोस्तों सेकेंड वीक में तो फिल्म का कलेक्शन और भी ज्यादा ड्रॉप होने वाला है, नंबर ऑफ स्क्रीन्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ शोज कम हो जाएंगे क्योंकि कई बड़ी बड़ी फिल्में लगातार आगे रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों अगर मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार को ये फिल्म अपने कलेक्शन में काफी अच्छा सुधार कर लेती है तो ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो पाएगी, वरना दोस्तों फिल्म का हिट होना काफी मुश्किल लग रहा है। लेकिन दोस्तों इतनी अच्छी फिल्म होने के बाद में, कंटेंट बेस्ड फिल्म होने के बाद में, रियल फिल्म होने के बावजूद, मोटिवेशनल फिल्म होने के बावजूद अगर फिल्म का ये प्रदर्शन रहता है तो ये बहुत ही गंभीर बात है, अच्छी बात है नहीं। क्योंकि दोस्तों हमें ये शिकायत रहती है, हम दर्शकों को ये शिकायत रहती है कि बॉलीवुड में कंटेंट बेस्ड फिल्म नहीं बनती है, अच्छी फिल्में नहीं बनती है, मोटिवेशनल फिल्म नहीं बनती है, रियल फिल्म नहीं बनती है। लेकिन दोस्तों रियल फिल्मों के साथ क्या हो रहा है, तो झुंड का हाल देखने के बाद में शायद कोई निर्माता निर्देशक ऐसी फिल्में बनाने के बारे में कई बार सोचेगा, उसको कई बार सोचना होगा कि फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। और दोस्तों एक और कंटेंट बेस्ड फिल्म 11 तारीख को रिलीज हो रही है, द कश्मीर फाइल्स। तो दोस्तों मुझे लगता है कि शायद उस फिल्म के लिए भी बड़ी चुनौती खड़ी होगी क्योंकि उसके सामने राधेश्याम जैसी बड़ी फिल्म सामने है। हालांकि द कश्मीर फाइल्स भी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही रियल फिल्म है, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है नहीं, जिस तरह से झुंड का जो कलेक्शन इतना कम आ रहा है तो द कश्मीर फाइल्स के लिए भी मुश्किल होने वाली है कलेक्शन ज्यादा प्राप्त करने के लिए, मुझे ऐसा अभी तक लग रहा है। क्योंकि दर्शक कंटेंट बेस्ड फिल्म रियल बेस्ड देखना पसंद ही नहीं कर रहे, थिएटर्स में जा ही नहीं रहे। तो दोस्तों झुंड फिल्म के ज्यादा नहीं चलने का कारण ये लग रहा है मेरे को कि दर्शक आजकल जो हमारे जो दर्शक है, भारतीय दर्शक है, वो ज्यादातर एक्शन फिल्मों देखने के आदि हो गए। एक्शन फिल्में भी ऐसी जिसमें खूब ज्यादा एंटरटेनमेंट हो, चाहे कहानी में कोई दम नहीं हो, बेसिक पैर की कहानी हो, कोई दिक्कत नहीं है उनको, कॉमेडी रोमांस एक्शन का जबरदस्त तड़का फिल्म में चाहिए तभी फिल्म चलती है, ऐसा कुछ लग रहा है भारतीय दर्शकों का जो रुझान है वो। तो दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट करके वैसे बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर
चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स, टेक केयर।